हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य का वीडियो लेकर आए हैं, जो इस पूरे वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से आपको जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, आठों शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम में अगर कहीं से भी पूछ देता है तो आप सही उत्तर लगा कर आएंगे। तो आइए देखते हैं। भरतनाट्यम, ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये हमारे तमिलनाडु राज्य का है। अब इसको याद कैसे करेंगे? भरतनाट्यम, भरत नाडु, नाट्यम से नाडु निकाल लेंगे। इसको 15-20 बार बोलेंगे, भरतनाटु भरतनाटु नाडु भरतनाडु, यानी तमिलनाडु। ये भरतनाट्यम से नाडु ले लेंगे, यानी तमिलनाडु। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तब इसमें देखिए, कुचिपुड़ी, पुड़ी है, पुड़ी आधी है, आधी है यानी पुड़ी आधी है, आधी से आंध्र प्रदेश, पुड़ी आधी यानी कुचिपुड़ी, पुड़ी से आधी, आधी है, आधी से आंध्र प्रदेश, यानी ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला आपका कथकली, ये कथकली केरल से है। आप कथकली केरल यानी कली, कली जो होता है, जो दुल्हन होती है, दुल्हन के बालों में लगा होता है, यानी कली जिसके बालों में लगा होता है दुल्हन के, वो होता है केरल, कली, कली केरल। मोहिनी अट्टम, ये भी आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी से मोह ले, यानी मोह कर ले, मोह कर ले। इसको आप 15-20 बार बोलेंगे, मोह कर ले, मोह कर ले, कर ले, कर ले, कर ले से आपका बन जाएगा केरल, यानी जो मोहित कर ले, यानी केरल। कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथ यानी कथ से कथा, और आपको पता ही है कि कथा पान में प्रयोग किया जाता है, और पूरे भारत में पान कहाँ का मशहूर है, तो बनारस का, बनारसी पान। और बनारस कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी कथा, कथक, कथक से कथा, कथा पान में यूज किया जाता है, अर्थात बनारसी पान, बनारसी पान से उत्तर प्रदेश, यानी कथक उत्तर प्रदेश का है। क्षत्रिय असम, क्षत्रिय असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसको कैसे याद करेंगे? क्षत्रिय यानी सत्र से सात, अत्रिय से तीन। अब सात धन तीन, सत्र से सात ले लेंगे, अत्रिय से तीन ले लेंगे, सात धन तीन क्या हो गया, पूरा दस। अच्छा, दस आपका सम संख्या है, सम इसमें आ जाएगा असम, दस आपका सम संख्या है, सम संख्या से बन गया असम, यानी ये जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका असम राज्य का है। अगला सातवां मणिपुरी, आपको जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है कि मणिपुरी यानी मणिपुर से है। और आठवां आपका ओडिसी, उड़ीसा या उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा से है। तो इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो याद हो गया होगा। धन्यवाद।